आपकी मेहनत हेलो मैंने कर बच्चों, दी। नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में टॉपिक पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार के बारे में हम जानेंगे। वर्ण विचार किसे कहते हैं, वर्ण क्या होते हैं, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। वर्ण यानी वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं वर्ण। और वर्णमाला जो वर्णों के समूह होते हैं उसको हम कहते हैं वर्णमाला। ठीक है, तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं और वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब मानक हिंदी वर्णमाला। केंद्रीय हिंदी निदेशालय, भारत सरकार और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा मानक हिंदी वर्णमाला का निर्धारित रूप इस प्रकार है। अब सबसे पहले हम स्वर देखेंगे कि स्वर कौन कौन से होते हैं। तो स्वर होते हैं अ आ ई उ री ए ओ। ये सब होते हैं हमारे हिंदी वर्णमाला के स्वर हैं। और व्यंजन क ख ग घ ण च छ ज झ ण ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स है। ये हमारे हिंदी वर्णमाला के व्यंजन हैं। और संयुक्त व्यंजन श त्र य श्र, ये हमारे हिंदी वर्णमाला के संयुक्त व्यंजन हैं। और आगत ध्वनियाँ अ ज फ, ये आगत ध्वनियाँ हैं। अब वर्ण के तीन भेद के बारे में हम जानेंगे। वर्ण के तीन भेद कौन कौन से होते हैं। तो वर्ण के तीन भेद होते हैं, एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन और तीसरा अयोवा। तो हम एक एक करके तीनों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्वर के बारे में जानेंगे। जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। यानी उन्हें किसी दूसरे शब्द की जरूरत नहीं होती, दूसरे अन्य वर्ण की जरूरत नहीं होती है, वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उन्हें हम स्वर कहलाते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। कौन कौन सी होती है वो हमने पढ़ी है अभी। अ आ इ री ए ओ औ, ये हमारे स्वरों की संख्या है। अब उच्चारण पर लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के भी तीन भेद होते हैं। तो स्वर के भी तीन भेद होते हैं, कौन कौन से। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर के बारे में हम जानेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। यानी कि उसमें बोलने में, उच्चारण में कम समय लगता है, वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे अ ई उ री, इसमें कम समय लग रहा है तो ये सभी ह्रस्व स्वर की श्रेणी में आते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ ई उ ए ओ औ। अब इसमें ह्रस्व स्वर से दुगना समय लग रहा है तो ये दीर्घ स्वर की श्रेणी में आते हैं। टुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, हे राम, तो इसमें तिगुना समय लग रहा है तो ये प्लुत स्वर की श्रेणी में आएंगे। अब हम स्वरों की मात्राओं के बारे में जानेंगे कि मात्रा किसे कहते हैं। तो जब स्वरों को व्यंजनों के साथ बोला या लिखा जाता है तो इनके चिन्हों का प्रयोग होता है, तो ये चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। ठीक है, अब स्वर और उनकी मात्राओं को हम देखेंगे और उनके चिन्ह के बारे में जानेंगे। तो एक तरफ स्वर है तो दूसरी तरफ उनकी मात्राएं हैं। जैसे अ, अब ए की कोई मात्रा नहीं होती है, और आ ई उ री
ए ए ओ औ, ये सब स्वर हैं और इनकी ये मात्राएं हैं। अ वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती है, क ख ग च छ ज आदि। अब अ वर्ण से रहित व्यंजन क ख ग च छ ज आदि। स्वर रहित व्यंजन के नीचे लगी तिरछी रेखा को हम हल कहते हैं। जैसे कि अभी ऊपर हमने देखा क के नीचे ये तिरछी लाइन बनी हुई है, तो इसको तिरछी लाइन को हम क्या कहेंगे, हल कहते हैं। इनके द्वारा व्यंजन के आधे होने का संकेत मिलता है, यानी कि ये आधे हैं, इसमें क पूरा जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये क हल क है, यानी कि ये क आधा है, आधे होने का संकेत मिलता है इससे, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे हम व्यंजन। तो व्यंजन किसे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, यानी जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है वे व्यंजन कहलाते हैं, उनमें स्वर की आवश्यकता होती है तो वो व्यंजन कहलाते हैं। अब व्यंजन के भी तीन भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब हम स्पर्श व्यंजन के बारे में जानेंगे। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास मुख के विभिन्न स्थानों का स्पर्श करती हुई बाहरी निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी कि बोलते समय श्वास मुख से विभिन्न स्थानों का स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब स्पर्श व्यंजन में उच्चारण देखते हैं, जैसे व्यंजन क वर्ग का उच्चारण हुआ कंठ, यानी बोलने से हमारी जीभ टच होती है, च वर्ग तालु, ट वर्ग मूर्धा, त वर्ग दंत, प वर्ग ओष्ठ। तो ये स्पर्श व्यंजन के उच्चारण स्थान हैं। अब देखेंगे अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनका उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग को भी पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है, मतलब कि पूरे भाग को स्पर्श नहीं करती है बोलने पर। जैसे य, यानी जीभ यहाँ पे मुंह पे कहीं भी टच नहीं होती है, य र ल व, तो ये अंतस्थ व्यंजन है। अब तीसरा हम देखेंगे ऊष्म व्यंजन। इन वर्णों के उच्चारण के समय हवा के रगड़क खाने से मुंह में गर्मी यानी ऊष्मा उत्पन्न होती है, अतः इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ये हैं श, श, स, है, ये ऊष्म व्यंजन के श्रेणी में आते हैं। अब हम संयुक्त व्यंजन के बारे में जानेंगे। दो भिन्न व्यंजनों के योग से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, यानी कि दो भिन्न यानी दो अलग अलग जो व्यंजन होते हैं उनकी हम उनको हम जोड़ेंगे, उनको योग करेंगे तो वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे श, तो इसको कैसे बनाएंगे, हलंग क जमा श, तो कैसे बना, क्षमा क्षत्रिय कक्षा। अब त्र कैसे बनता है, हलन त जमा र, तो ये क्या बना, पत्र चित्र त्रिकोण। अब ज्ञ, ज्ञ कैसे बना, हलन ज जमा ण, यानी कि ज्ञात ज्ञान यज्ञ। श, श कैसे बना, श हलन श जमा र, यानी श्रम श्रमिक श्रेष्ठ। अब द्वित्व व्यंजन के बारे में हम जानेंगे। द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं, दो समान व्यंजन ध्वनियों से बने संयुक्त व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। यानी दो समान जो व्यंजन होते हैं उनकी जो आवाज़ होती है, उनकी जो ध्वनि होती है, उससे बने हुए संयुक्त व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। अब इनके उदाहरण कौन कौन से हैं देखते हैं। हल च जमा च, यानी कि यहाँ पे एक च आधा है और एक च पूरा है, तो ये क्या हुआ च, तो ये इसका क्या बना शब्द, सच्चा कच्चा बच्चा, इस तरह से शब्द बनेंगे। अब यहाँ पे आधा क है, यानी कि हल हलंग क प्लस क,
तो यह क्या बना, क, जैसे पक्का, चक्का, सिक्का। अब नेक्स्ट है हलंत, जमात, तो ये क्या बना, त, जैसे कुत्ता, पत्ता, छत्ता। अब हलंद प्लस द, तो क्या बना, द, जैसे गद्दा, रद्दी, चद्दर। ठीक है, अब है हलंट प्लस जमा ट, तो ये क्या बना, ट, भुट्टा, पट्टा, हलन न, जमा न, तो ये क्या बना, न, अन्न, भिन्न, पन्ना। ठीक है, तो हलंक लगा हुआ है, ये आधा है और यहाँ पूरा है, तो इसको दोनों के मिला के द्वितीय व्यंजन बनता है। अब द्वितीय व्यंजन, दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बने अनेक संयुक्त व्यंजन हैं। इन्हें व्यंजन गुच्छ भी करते हैं, जैसे उज्ज्वल। अब उज्ज्वल को हम अलग अलग किस तरह से लिखेंगे, इसकी टुकड़े करके कैसे लिखेंगे, उ प्लस हलनजय जमा हलनजय जमा हलन व जमा अ जमा हलन ल जमा अ, तो ये इसके टुकड़े हुए, इसको मिला के क्या बना, उज्ज्वल। अब देखेंगे दूसरा ज्योत्सना। अब इसके टुकड़े हम इसका विग्रह कैसे करेंगे, हलन जय जमा हलन य जमा ओ जमा हलन त जमा हलन स जमा हलन न जमा आ, तो ये इसके विच्छेद हमने किए, तो इनको हम जोड़ के क्या बनेगा, ये ज्योत्सना। तो ये संयुक्त व्यंजन के, द्वितीय व्यंजन के उदाहरण हैं। अब र व्यंजन के रूप, र ऐसा व्यंजन है जिसका अन्य व्यंजनों के साथ मेल होने पर उसका रूप बदल जाता है। कैसे, यदि र स्वर रहित होता है तो यह अगले व्यंजन के सिर पर इस रूप में मात्रा इस रूप में लगती है, इसे हम क्या कहते हैं, रेफ कहते हैं। जैसे ध जमा हलन र जमा मैं, तो यहाँ पे जो र है वो इस तरह से इसकी रेफ में मात्रा बदल जाएगी, यानी कि धर्म, क जमा हलन र जमा मैं, तो यहाँ पे र है ये मात्रा के रूप में चले जाएगा, इसको हम रेफ कहते हैं, तो ये क्या बना, कर्म। इसी तरह से प जमा हलन र जमा व, तो ये क्या बना, पर्व, तो इसकी जो ऊपर मात्रा लगी है इसको र की मात्रा है, इसको बोलेंगे हम रेफ, रेफ की मात्रा। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम, यदि र से पूर्व व्यंजन स्वर रहित हो तो र पूर्व व्यंजन के नीचे इस रूप में आता है, इसे हम पदेन कहते हैं। जैसे हलन ग जमा र बराबर, ये जो मात्रा है तिरछी इसको हम पदेन कहते हैं, तो ये क्या बन गया, ग्रह है। इसी तरह से हलंग भ जमा र, तो ये क्या बना, भ्र, तो ब्रह्म। हलंग क जमा र, तो ये बना क्र, तो क्र से क्या बना, क्रम, जो तिरछी लाइन को हमने क्या बोला, पदेन। ठीक है, अब त तथा ड के साथ र नीचे इस रूप में लगाया जाता है, इसे भी हम पदेन कहते हैं। जैसे ट प्ल जमा र, तो ये क्या बना, ट्र, तो ट्र से कौन से शब्द बने, ट्रक, ट्राम। ऐसे ही है ड जमा र, तो इसको मिला के क्या बना, ये ड्र, तो ड्र से शब्द बने ड्रम, ड्रामा। अब देखेंगे हम आगत ध्वनियाँ, हिंदी भाषा में विदेशी भाषाओं के शब्दों के साथ आई ध्वनियाँ आगत ध्वनियाँ कहलाती हैं। जैसे आ, तो आ, आ से कैसे कैसे शब्द बनेंगे, डॉक्टर, ऑफिस, हॉल, कॉलेज। ज, ज से बना सजा, जरा, जमींदार, और फ से बना कफन, खफा, फन। ठीक है, ये हैं आगत ध्वनियाँ के उदाहरण।
अब हम आगे अयोग वाह देखेंगे। अंग यानी अनुस्वार और अह यानी विसर्ग अयोग वाह है। ये न तो स्वर है और न व्यंजन, ये अ के योग से बोले और लिखे जाते हैं। अब अनुस्वार देखेंगे हम, इस ध्वनि का उच्चारण म या न के समान होता है। इसका लिपि चिन्ह यह है। इसका प्रयोग स्वरों और व्यंजनों के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है। जैसे क के ऊपर अनुस्वार लगाया तो क्या बना, कंस, हंस, अंश आदि। अब विसर्ग देखेंगे तो स्वर्ग से परे जो दो बिंदियां लगाई जाती है, यानी कि स्वर से दूर जो दो बिंदियां लगाई जाती हैं वे विसर्ग कहलाती हैं। इनका उच्चारण केवल संस्कृत से आए कुछ तत्सम शब्दों के साथ ही किया जाता है, अतः, प्रायः, प्रातः आदि। इसका उच्चारण आधे ह के जैसा होता है। अब अनुनासिक के बारे में जानेंगे। अनुनासिकता वर्णों का एक गुण है। इसको चंद्रबिंदु भी कहते हैं। इसका चिन्ह है। इसका प्रयोग स्वरों और व्यंजनों के ऊपर किया जाता है। जैसे आंख, आंख के ऊपर अनुनासिक लगाना तो योग्य आंख, चांद, माँ, गांव, सांप आदि। अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह से किया जाता है। तो ये था अनुनासिक। आगे हम आपको ये वर्ण का विचार कंप्लीट हो गया, आपको समझ में आया होगा ये वर्ण विचार का चैप्टर। आपको अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।